स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपखंड कार्यालय में वाल्मीकि अंबेडकर विचार उत्थान संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में रामूजी घोगलिया की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड कार्यालय विराटनगर में उपखंड अधिकारी को महत्व वाल्मीकि समाज की 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पहली महत्व वाल्मीकि समाज को सफाई भर्ती 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर जाति प्रमाण पत्र द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे से 50% आरक्षण कोटा दिया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आरक्षण वर्गीकरण बंद करके परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले महत्व वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को 100% आरक्षण दिया जाए। सन 2022 व 2018 के कोर्ट केस जीते हुए अभ्यर्थियों को 2024 की भर्ती से पहले नियुक्ति दी जाए। राजस्थान के सभी विभागों में निविदा एवं सफाई कर्मचारियों को उन्हीं कार्यालयों में स्थायी करके नियुक्त किया जाए। संयोजक सुरेंद्र कुमार विमवाल ने बताया कि वर्तमान में सफाई भर्ती व आरक्षण में वर्गीकरण ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें सफाई भर्ती 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर जाति प्रमाण पत्र द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने की बात कही और साथ ही अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे से 50% आरक्षण की मांग को जरूरी बताया। उपरोक्त मांगों को लेकर समिति व समाज के विभिन्न लोग ज्ञापन के दौरान उपस्थित रहे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।